जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। अगर आपको इतिहास बनाना है तो आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक ऐसी ही स्टोरी जिससे आपको पता चलेगा कि आपको सक्सेस पाने के लिए रिस्क लेना ही होगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तो आप सक्सेस को भूल जाइए। सक्सेस पाने का सबसे पहला मंत्रा है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ स्टोरी के साथ। दोस्तों, एक गांव में एक गुफा थी और उस गुफा में कोई भी नहीं जाता था। गांव का हर एक आदमी वहां जाने से डरता था, और जो भी व्यक्ति उस गुफा में गया था वो वापस लौटकर कभी नहीं आया था। करीब 100 से ज्यादा लोग उस गुफा में गए थे जो जाने के बाद कभी वापस लौटकर नहीं आए थे। एक बार की बात है, उस गांव में एक युवक आया। उसने भी उस गुफा के बारे में सुना। उसने सुना जो भी गुफा में जाता है वो आज तक वापस लौटकर नहीं आया है। और ये बात सुनकर उस मन में क्यूरियोसिटी जागी और उसने सोचा, ऐसा क्या हो सकता है? इस मॉडर्न जमाने में ऐसी क्या शक्ति है जो लोगों को वापस नहीं आने देती? वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, वो टोने टोटके में विश्वास नहीं कर सकता था। तो ये बात उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि गुफा में ऐसा क्या है जो लोगों को वापस नहीं आने देती। और ये क्यूरियोसिटी उसकी इतनी बढ़ती चली गई कि उसने गुफा की सच्चाई जानने के लिए गुफा में जाने का निर्णय लिया दोस्तों। और ये निर्णय उसका और स्ट्रोंग होता जा रहा था। फिर युवा ने गांव वालों को बताया कि मैं गुफा की सच्चाई पता करने के लिए गुफा में जाऊंगा। अब यह बात सुन के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने युवा को डराया कि बेटा उस गुफा में मत जाओ, वहां आज तक जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया, तुम भी वहां जाने के बाद वापस नहीं आ पाओगे, तुम मत जाओ। लेकिन युवा में पॉजिटिविटी थी, कॉन्फिडेंस था, और सबसे बड़ी चीज उसके अंदर डर नहीं था। वो रिस्क लेने को तैयार था क्योंकि उसे जवाब चाहिए थे अपने सवालों के कि आखिर गुफा में क्या है। तो इसके लिए वो स्टेप लेना चाहता था। उसने गांव वालों की बात नहीं मानी और गुफा की ओर चल दिया। धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचने लगा। गांव वाले की बातें सुनकर उसके मन में थोड़ा डर भी पड़ रहा था, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे गुफा के पास पहुंचा बहुत ही अंधेरा था, उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे और आगे बढ़ा उसे बहुत तेज धक्का पड़ा और वो आगे की तरफ गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उस समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा उस जगह पर समृद्धि ही समृद्धि छाई पड़ी है। चारों तरफ खुशहाली की सभी वस्तुएं मौजूद थी और उसके पास कुछ लोग मौजूद थे। यह देख के उसे बहुत सरप्राइज हुआ, वो शॉक्ड रह गया। ये लोग वही थे जो गांव से गुफा की तरफ आए थे। उसने वहां मौजूद लोगों से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? उन लोगों ने उसे बताया कि जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो हमने समृद्धि को देखा और हम यहीं पर रुक गए, लेकिन हम यहाँ किसी और को नहीं आने देना चाहते, क्योंकि अगर यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और यहाँ की ब्यूटी भी नष्ट हो जाएगी। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है हम उसे डराकर भगाने की कोशिश करते हैं, और यदि वो नहीं भागता तो हम उसे खींचकर अंदर ले आते हैं। हमने तुम्हें भी बहुत डराने की कोशिश की, हम तुम्हारे पीछे पीछे चले, हमने डरावनी आवाजें निकाली, लेकिन तुम डरे नहीं, इसलिए हम तुम्हें यहाँ ले आए। तुम पूरी तरह निडर हो और तुम अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे और इस धन धान्य खुशहाली और आराम की जिंदगी को जियोगे। तो दोस्तों, हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा होता है। जैसे वो गांव वाले लोग उस व्यक्ति को डराने की कोशिश कर रहे थे, हमें भी डराने की कोशिश की जाती है। कई बार बाहर वाला हमें कोई डराता है, कई बार हमारे खुद के मन में इतना डर होता है कि हम कोई भी स्टेप लेने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सक्सेस पानी है हमें अपने इस डर को खत्म करना होगा, क्योंकि सक्सेस का मूल मंत्र है रिस्क। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन में इतिहास रचने के लिए फ्रेंड्स
आत्म निर्णय लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ।